मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 50,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30,000 नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन किया है। इस दौरान उन्होंने कुल 26,500 हितग्राहियों के खातों में आवास निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए की किश्त जमा कराई है। साथ ही हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपना एक घर होने का सपना जरूर देखता है। केंद्र की मोदी और प्रदेश सरकार ने इस सपने को पूरा करने का काम किया है। गरीब से गरीब भाई बहन की भी जिंदगी में इच्छा जरूर होती है कि उसका अपना बहुत बड़ा ना हो, लेकिन छोटा सा एक पक्का मकान जरूर हो। और आज 1,06,000 से ज्यादा बहनों और भाइयों का ये सपना साकार हो रहा है। आज ही 4,000 करोड़ से ज्यादा की राशि इन निर्माण के कामों में लगेगी, उसमें से कुछ राशि अभी आपके सामने हमने डालने का काम किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। और हमने प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए तय किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तब बनेगा जब हमारे शहर भी आत्मनिर्भर होंगे। और जिस शहर में रहने वाले भाई और बहनों की जिंदगी कैसे आसान बने, यह हमारे सोच के केंद्र में लगातार रहा है। और उस दिशा में पहल करते हुए हमने पहले शहरों में गरीबों को आवास के पट्टे देना प्रारंभ किए, झुग्गी झोंपड़ी के पट्टे कई जगह दिए। हमने अब तक शहरों में अकेले 8,68,000 आवास स्वीकृत किए हैं। 4,72,000 बन के कंप्लीट हो गए, बाकी कंप्लीट होने की तैयारी में। पर आज मैं संकल्प व्यक्त कर रहा हूं मेरे गरीब बहनों और भाइयों, यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को पक्के मकान के बिना रहने नहीं देंगे। धीरे धीरे सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे।